हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पीडी लर्निंग क्लास। दोस्तों, बोर्ड कॉपी में ये गलतियां कभी मत करना, नहीं तो हो जाओगे फेल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी चीजें बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आप बोर्ड कॉपी लेते हो तो सबसे पहले आपको पहला पन्ना दिखता है रोल नंबर, पेपर कोड वगैरह अपने डिटेल के बारे में भरने के लिए। तो सबसे पहले अपने डिटेल को ध्यान से भरिए, ठीक है। अपने डिटेल को ध्यान से भरिए क्योंकि अगर ये डिटेल गलत हुआ तो आप फेल तो हो गए ही, साथ में आपका रिजल्ट भी नहीं बनेगा और आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। अपने रोल नंबर को सही से भरिए। आपको जो प्रवेश पत्र मिलता है उस पर रोल नंबर दिया रहता है, नहीं तो आप याद कर भी जा सकते हो, इसलिए रोल नंबर सही से भरिए। फिर पेपर कोड सही से भरिए, फादर नेम सही से भरिए क्योंकि रिजल्ट में गलत हुआ तो अब सही नहीं हो सकता। स्कूल कोड भी आप अपना सही से भरिए। इन सभी चीजों का ध्यान रखिए। और अब बताता हूँ दूसरी चीज क्या है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप प्रश्न की संख्या सही लिखे। देखिए, होता क्या अक्सर कि आप जैसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन सीरियल में नहीं करते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, आप नीचे शुरू करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन नंबर गलत हो जाता है और जिसकी वजह से आपका पूरा मार्क्स कट जाता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर ही गलत है तो पूरा मार्क्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा, जीरो कर दिया जाएगा वो, ठीक है। दोस्तों, अक्सर बच्चे ये चीजें गलत करते हैं, जिनको सभी आंसर आता रहता है फिर भी वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि यही गलती होती है अक्सर सबसे कि क्वेश्चन नंबर गलत उतार देते हैं। जब मान लीजिए आप 1 3 4 और आप यहाँ पे 2 भूल गए हैं और दूसरे क्वेश्चन का आंसर में 3 नंबर का क्वेश्चन डाले हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चन पे 0 मिलेगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन पे 0 अंक मिलेगा। इसलिए आपको सही तरीका क्या है, 1 2 3 4 जिस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं उसको ध्यान रखिए, उसका क्वेश्चन नंबर डालिए। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सब आता है लेकिन वो कहते हैं हमें फेल हो गया, कैसे हो गया। देखिए, लिखावट सुधारिए। जब तक एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है बच्चा, तब तक वो नंबर कैसे देगा, पढ़ेगा कैसे। तो अपनी लिखावट को साफ सुथरा लिखिए। ये नहीं कि बहुत अच्छा राइटिंग भी हो तभी नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। साफ सुथरा, साफ सुथरा मतलब नीट एंड क्लीन, दूर दूर लिखिए अच्छे से, कोई भी घाचा पिच मत करिए, ठीक है। साफ राइटिंग से एग्जामिनर खुश होता है, ठीक है, आपसे इंप्रेस होगा तो आपको नंबर भी देगा। अगर आप फेल हो रहे होगे 1 2 नंबर से तो आपको नंबर दे देगा। अब दोस्तों, चौथी बात जानते हैं कि देखिए, एक प्रश्न को छोड़े नहीं, जो ना उसे भी करे, जो ना आए आपको वो भी करे। देखिए क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आपको नहीं आ रहा है, बाकी सब कर लियो, उसको लास्ट में छोड़ दियो। अब लास्ट के टाइम में आप उस प्रश्न को उठाइए, जो भी आपको समझ में आता है क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर गलती से भी वो सही हो गया तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लिखने पे भी नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। अगर आप सीधे सीधे छोड़ दोगे तो एग्जामिनर नंबर देना भी चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप लिखे ही नहीं हो कुछ। इसलिए कुछ भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ उसके बारे में, या फिर अगर आपको नहीं आता है तो सोचिए, नहीं सोचने पे आता है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख ही दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ 5 6 लाइन भर ही दीजिए। सबसे लास्ट दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुरू से अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपका पेपर छूट जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है कि मैथ, हिंदी, फिजिक्स या फिर बड़े पेपर जो लेंदी पेपर होते हैं उनमें अक्सर ही ऐसा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है इसलिए लास्ट तक जाते जाते 5 6 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। शुरू से तैयार कर लीजिए कि हमें इस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, इस समय इस क्वेश्चन को इतना ही समय देना है, ठीक है। उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए। अगर आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी देते हो तो भी आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट का ही टाइम सेट कर लीजिए, ठीक है, 5 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए, इसी हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करिए। तो दोस्तों, इन सभी गलतियों को आप कभी भी एग्जाम में मत करिएगा, आप इससे सावधान रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप कक्षा 12 और 10 के स्टूडेंट है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी PDF और नोट्स वगैरह देते हैं। तो चलिए, आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।